Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In my previous video, we covered line graph. Today in the class, I would tell you and explain you how to write a bar graph. Alright, in my previous video, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सी चीजें हर बार ग्राफ में लिखनी जरूरी हैं, I mark that as well. तो मैंने वही सारी lines जो मैंने अपने previous video में marked करी थी वो मैंने सेम एज इट इज आज भी अपने ग्राफ में यूज करी है. सो लेट जस्ट कमेंस द क्लास. आई होप द इमेज ऑफ द ग्राफ अबव इज क्लियर्ड टू यू. सो लेट जस्ट रीड इट. ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो इंट्रोडक्शन में है उसमें पांच चीजें मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ इट इज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट इज द नेम ऑफ द ग्राफ. लेटर यू हैव टू मेंशन द इंफॉर्मेशन कि ग्राफ में बात किस चीज के बारे में हो रही है. देन द कंट्री नेम, ईयर, कैलिब्रेशन, दैट्स ऑल राइट. सो आई हैव स्टार्ट माय ग्राफ विद द सेम लाइन व्हिच आई हैड यूज्ड इट इन द लाइन ग्राफ. दैट इज द रेंडर्ड बार ग्राफ. यस, द नेम ऑफ द ग्राफ. द रेंडर्ड बार ग्राफ डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन. मतलब मेरा दिया हुआ जो ग्राफ है वो मुझे इंफॉर्मेशन बता रहा है किसके बारे में. अबाउट ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स पोस्ट स्कूल आवर्स इन 2014. ईयर भी आ गया. इंक्लूडिंग स्विमिंग, फुटबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, नो स्पोर्ट्स By girls and boys. पहले हम इतना समझते हैं, मतलब कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है. अब हमें हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ में आ गया कि हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है. हमारा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स ने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया कब, स्कूल आवर्स के बाद. और ये कौन से ईयर का डेटा है, ये ईयर का डेटा है हमारे 2014. और वो ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, गर्ल्स बॉयज बोथ. ठीक है, ना ही सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही है, ना ही ओनली बॉयज की बात हो रही है, दोनों के बारे में बात हो रही है. राइट, नेक्स्ट द डेटा हैज बीन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज. मेरा डेटा किस में कैलिब्रेट हो रहा है, परसेंटेज में. इट मीन्स मैंने अपने ग्राफ में जो भी चीजें चाहिए होती हैं आई हैव रिटन. ऑलराइट, नेक्स्ट लेट जस्ट रीड ओवरऑल. ओवरऑल हमें क्या कहता है, ओवरऑल इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रिपीटेड लाइन फुटबॉल. ऑल राइट, आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग हियर. लिखते समय हो जाता है, डोंट बी सो जजमेंटल. फुटबॉल हैड प्लेड द मैक्सिमम बाय बॉयज. मतलब फुटबॉल जो है वो बॉयज के थ्रू सबसे ज्यादा खेली गई है, वाइल नेटबॉल नोटेड फॉर गर्ल्स. जहां की नेटबॉल सबसे ज्यादा किसके थ्रू खेली गई है, गर्ल्स के थ्रू. अब देखो जो चीज मैंने ऊपर लिखी है द मैक्सिमम प्लेड, वो मैं नीचे भी लिख सकती थी, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट एनी वर्ड ऑफ माई इन माई राइटिंग. तो मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट और क्लैरिटी में लिख लिया कि पढ़ के समझ में आ जाए कि ओवरऑल इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फुटबॉल हैड प्लेड द मैक्सिमम बाय बॉयज. मतलब फुटबॉल जो है सबसे ज्यादा बॉयज के थ्रू खेली गई है, जहां पर जहां की जो भी वर्ड आप हिंदी में कंफर्टेबल है, नेटबॉल जो है वो गर्ल्स ने परफॉर्म किया है, मतलब गर्ल्स ने ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट लिया है. ठीक है, अब हम देखो इस ग्राफ को लिखने के यू हैव मैनी वेज. ठीक है, इन द क्लासेस आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया हाउ यू कैन लाइक एक्सप्लेन योर ग्राफ. ठीक है, डू नॉट स्टिक ऑन माय राइटिंग कि नहीं जैसे मैम ने लिखा हम भी वैसे लिखेंगे. नहीं, जस्ट टेक द आइडियाज कि एक्चुअली में ग्राफ हमें लिखना कैसे है, मतलब कनेक्टर्स. इसमें मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कनेक्टर्स सिखा रही हूँ कि कनेक्टर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, मोर ओवर मैं आपको एक फ्रेमिंग बता रही हूँ ग्राफ की कि क्या चीज किस तरीके से लिखनी है. फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, देन ओवरऑल, देन BP1, BP2. ठीक है, अब मैंने BP1 में क्या फ्रेमिंग किया है उसको पढ़ते हैं.
अगेन मैंने अपनी BP1 की शुरुआत जो है वही वर्ड से करी है विच आई हैड ऑलरेडी यूज्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। जिन्होंने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी प्रीवियस की ग्राफ से रिलेटेड प्लीज उसको देखें, यू गेट द आइडिया। ऑल राइट, एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इन 2014 14% बॉयज टुक पार्ट इन स्विमिंग वेयर एज 20% वॉज नोटिस्ड फॉर फुटबॉल। अब इसमें क्या समझ आ रहा है, पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि 2014 में 14 में 14% बॉयज ने पार्ट लिया किसमें, स्विमिंग में, जहाँ की 20% बॉयज जो है फुटबॉल पिक किया। ठीक है, मोर ओवर 2% वर रिकॉर्डेड फॉर नेटबॉल और सिर्फ और सिर्फ 2% बॉयज ने पार्टिसिपेशन लिया था, पार्टिसिपेट किया किसमें, हमारी नेटबॉल वाली गेम में। हाउएवर 7% वॉज फॉर बास्केटबॉल एंड 4% फॉर नो सपोर्ट। 4% बच्चों ने किसी भी स्पोर्ट पे कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, अब इससे पढ़ के क्या समझ में आया कि जो मेरा BP1 था ये सारा का सारा मेरा बॉय से रिलेटेड था, मतलब मैंने अपने BP1 में जो डेटा लिखा है वो मैंने बॉयज से रिलेटेड लिखा है। तो इट मीन्स दैट जो भी मेरा नेक्स्ट बीपी होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन गर्ल्स से रिलेटेड होगी। तो लेट जस्ट रीड दैट। तो वो है हमारा टर्निंग अटेंशन टू वर्ड्स स्पोर्ट्स प्लेड बाय गर्ल्स। अब ध्यान देते हैं उन स्पोर्ट्स के ऊपर जो गर्ल्स के थ्रू खेला गया या जिसमें गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। 16% गर्ल्स वर रिपोर्टेड फॉर स्विमिंग, फर्दरमोर 4% फॉर फुटबॉल। 16% जो गर्ल्स थी उन्होंने स्विमिंग में हिस्सा लिया, जहाँ की 4% जो थी वो फुटबॉल के लिए आई। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंगली 17% गर्ल्स प्लेड नेटबॉल, 17% गर्ल्स ने नेटबॉल प्ले किया। ठीक है, मतलब उन्होंने नेटबॉल वाले स्पोर्ट में हिस्सा लिया। लास्टली अंत में बास्केटबॉल एंड नो स्पोर्ट्स वर अकाउंटेड एट 12% एंड 4.8% रिस्पेक्टिवली। मतलब जो मेरा बास्केटबॉल था और नो स्पोर्ट्स था वो मेरा 12% और 4.8% में आके रिपोर्टेड हुआ, मतलब अकाउंटेड हुआ। अकाउंटेड, रिपोर्टेड, नोटेड, नोटेड, रिकॉर्डेड, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये मेरे कनेक्टर्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग योर ग्राफ टू पुट द अटेंशन ऑफ द रीडर ऑफ द चेकर मोर ऑन द कैलिब्रेशंस ऑन द डेटा ऑन द डेट ऑन द नंबर एग्जैक्ट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर मोर, फॉलो फॉर मोर। बाय बाय।